नमस्कार, माई बी पी विश्वास. ऑन 5th June, माई सॉन चंद्रमौली हैज कवर्ड दिस नुब्रा सैंड ड्यून एरिया, दैट इज नुब्रा वैली ऑफ लद्दाख डिस्ट्रिक्ट. मैं उसके ऊपर में यहाँ चर्चा करूँगा. चर्चा करते करते आप देखेंगे जिस सामने जो नदी बह रहा था वो हमारा नुब्रा रिवर था. तो नुब्रा रिवर एक तरफ बह रहा है और साइड से हमारा शायक रिवर बह रहा है. दोनों का बीच में जो उपत्यका जो है दैट इज एरिया इज कॉल्ड नुब्रा वैली. ये नुब्रा वैली हमारा समुद्र तल से करीबन 10,000 फीट उच्चता में है, माने 3,000 मीटर उच्चता में है. रास्ता का परिस्थिति आप देखते जा रहा है और ये देखते देखते जब आप जा रहे हैं तो आपको मैं बोल देता हूँ ये नुब्रा सैंड ड्यून क्यों आया है. प्रैक्टिकली ड्यून मीन्स ए स्मॉल हिल. प्रैक्टिकली जहाँ हमारा समुद्र रहता है, जहाँ रेती रहता है, जहाँ हवा रहता है, बा समुद्र किनारे हो बा मरुभूमि में अंदर में हो, ये क्या है उसमें एक लंप ऑफ सैंड्स एक जगह में एकत्रित हो जाता है और छोटा सा पहाड़ टाइप का देखने में लगता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्यून. और नुब्रा वैली इज़ फेमस फॉर ए सैंड ड्यून. इसके और फेमस होने का और एक जगह है, दैट इज़ हमारा इसमें डबल बैक्ड कैमल इधर मिलता है. और एक कैमल दिखाने के लिए इधर हमारा सेंट्रल एशियन कैमल सफारी लिमिटेड है. 9 बजे से 12 बजे तक, शाम को टाइम 3 बजे से 6 बजे तक माने ये ओपन है. आप लोग इसको जाके एंजॉय भी कर सकते हैं. लेकिन और एक चीज़ जियोग्राफिकली आपको मैं थोड़ा सा व्याख्या भी कर देता हूँ. ये नुब्रा वैली जो है ये हमारा एक तहसील है, बस सब डिविजनल टाउन है ले का. नुब्रा वैली का और एक नाम है धुमरा वैली. ये धुमरा वैली बोलने से ये वैली ऑफ फ्लावर्स को दर्शाता है. ले से नुब्रा वैली का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर्स. आपको दैट इज़ द मैंने कॉमन एक्सेस पॉइंट. इफ़ यू वांट टू कम टू नुब्रा वैली यू हैव टू कम थ्रू खारदुंगला पास. तो फ्रॉम ले टू खारदुंगला पास अबाउट 40 किलोमीटर्स एंड फ्रॉम खारदुंगला टू नुब्रा वैली 86 किलोमीटर्स. हमारा देशी विदेशी लोग के लिए फॉर इंडियन सिटीजन्स हमारा इधर आने के लिए इनर लाइन परमिट का दरकार होता है. और इन केस ऑफ फॉरेनर्स हमारा प्रोटेक्टेड एरिया पास इट इज़ अ मस्ट, इट इज़ रिक्वायर्ड. वैली के पास से जो रास्ता है वो रास्ता का परिस्थिति आप तो देख रहा है ऐसा ही होता है. और इसी रास्ते से आपको जाना पड़ेगा देने को एन एंजॉय. दोनों नदी का बीच में हमारा ये नुब्रा वैली है. प्रैक्टिकली ये दोनों नदी माने काराकोरम और हमारा लद्दाख से इसको माने नुब्रा को अलग कर दिया है. प्रकृति का एक अलग से सौंदर्य इधर है. आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें पहाड़ के ऊपर में कोई ग्रीनरीज नहीं है, फिर भी इसका एक सौंदर्य जो है. आप आवाज़ से मत घबराइए. प्रैक्टिकली अभी ये छोटा सा बोल्डर के ऊपर से गाड़ी चल रहा है और ये कंक्रीट का भी रोड नहीं है, डामर रोड भी नहीं है. ये हमारा नदी का किनारे से थोड़ा सा हाई ऑल्टीट्यूड में थोड़ा सा छोटा पहाड़ का मानी पत्थर का ऊपर से ये गाड़ी चल रहा है. तो इसीलिए एक भयंकर आपको आवाज़ आपको शायद शंकित करेगा, लेकिन इतना भय का भी चीज़ नहीं है. गाड़ी सही सलामत चल रहा है, चलेगा भी, और ऐसा ही आप लोग इसका आनंद भी इसका भी एक आनंद आप ले पाएंगे कौन सा परिस्थिति में आप आगे बढ़ रहे थे. वैसे नुब्रा वैली तक जब आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही परिस्थिति फेस करना पड़ेगा. ये थोड़ा सा थ्रिलिंग तो है. आज जहाँ थ्रिल नहीं रहेगा तो आपको आनंद उतना शायद नहीं होगा.
इट इज़ अ थ्रिलिंग कॉम्पैक्ट अब ये सफ़र है, इसीलिए इसका मज़ा, इसका आनंद थोड़ा दूसरे टाइप का है। हमारा ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं उम्मीद करूँगा आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये एक किस्म का ये प्रोत्साहन मिलता है हमको और नया कुछ प्रेजेंट करने के लिए मैं इच्छा प्रकाश करता हूँ। मेरे सब व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, थैंक यू।